सलमान खान के बाद अब किंग खान यानी कि शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है। शाहरुख खान की टीम ने बांद्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। शाहरुख खान की टीम ने बांद्रा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार को अब धमकी मिली है। इस धमकी के बाद किंग खान की टीम तुरंत हरकत में आ गई है और FIR दर्ज कराई है। मामला हाई प्रोफाइल देखते हुए बांद्रा पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये धमकी छत्तीसगढ़ के रायपुर से मिली है। किसी फैजान नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने धारा 308, 351 BNS के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा कॉल शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज के ऑफिस में आया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि अगर शाहरुख खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो हमें करोड़ों रुपए दे, नहीं तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि कहने के बाद आरोपी ने कॉल कट कर दिया और फोन बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच चुकी है। दरअसल पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया, ये रायपुर का निकला। लास्ट लोकेशन बाजार की है। पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। शाहरुख खान के नाम पर धमकी भरी कॉल आने के बाद माना जा रहा है कि शाहरुख खान की सिक्योरिटी में भी अब इजाफा किया जाना चाहिए। सुपरस्टार के घर मन्नत की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड की हिट लिस्ट में रहे हैं। इससे पहले भी करियर में कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में भी उन्हें फिल्म पठान और जवान की सक्सेस के बाद जान से मारने की धमकियां मिली थी। इस बारे में एक्टर ने महाराष्ट्र पुलिस में लिखित में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी गई थी। अब एक बार फिर से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है और पुलिस इसकी जांच में जुट गई है।